हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। आज है टीआरपी डे, लेकिन सॉरी वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर था। लेकिन एनीवेज अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको हर हफ्ते टीआरपी चाहिए होती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टॉप 10 चैनल्स अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ दोनों में देख लेते हैं। नंबर 10 पे जी टीवी है, नंबर 9 पे कलर्स है, नंबर 8 पे उसके ऊपर गोल्ड माइंस, नंबर 7 पे देखने को मिलता है सब टीवी, नंबर 6 पे है जी तेलुगु, नंबर 5 पे है स्टार प्रभा, नंबर 4 पे सन टीवी है, नंबर 3 पे है स्टार प्लस, नंबर 2 पे स्टार माँ देखने को मिलता है और नंबर 1 पे दंगल चैनल देखने को मिलता है। एज ऑलवेज ध्यान रखें कि अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ की रैंकिंग है, यहाँ पर रीजनल चैनल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल चैनल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। एन टीवी के सीरियल्स पे सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। अटल सीरियल 0.2 की टीआरपी लेकर आए, इस बार भी कोई चेंज नहीं है। सेम विद महानायक बी आर अम्बेडकर, इसकी भी 0.2 ही है। भाभी जी घर पर हैं कि 0.3 है इस बार, तो अब 0.4 नहीं ला रहा है, वरना पहले इंक्रीज़ हो गई थी। हप्पू गोल्डन बल्टन जो कि स्पिन ऑफ है भाभी जी का, इसकी भी टीआरपी 0.3 ही है। हप्पू और भाभी जी दोनों चैनल के जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, हाईएस्ट टीआरपी शोज़ हैं। लेकिन एन टीवी के चार ही सीरियल्स होते हैं और ज़्यादातर नए शोज़ भी ये लॉन्च नहीं करते हैं, और टीआरपी वगैरह में कुछ ज़्यादा चेंज मेजर हमें देखने को नहीं मिलता होता है। बढ़ते हैं अगले चैनल की ओर। अगला चैनल है स्टार भारत। तो गाइस, अगले चैनल में बागिन सीरियल 0.2 लेकर आया है, भगवान परशुराम भी 0.2 है, शैतानी रस्में भी 0.2, और सावधान इंडिया जो कि नया वाला सीज़न उन्होंने स्टार्ट किया है उसके भी 0.2 ही है। तो यहाँ पर स्टार भारत के सारे सीरियल्स की 0.2 टीआरपी और मोस्ट ऑफ द टाइम 0.2 ही आती होती है। लेकिन एटलीस्ट 0.09 इतनी कम तो किसी की नहीं है जितनी की कुछ टाइम पहले इस पर आ रही थी। अब दंगल चैनल के सीरियल्स को भी देख लेते हैं। तो मिलके भी हम ना मिले सीरियल 0.4 की टीआरपी लेकर आया इस बार, और उसके बाद आईना है जो कि 0.9 लेकर आया है। कैसा है रिश्ता अनजाना 0.3 लेकर आया है। मन अति सुंदर की एज ऑलवेज बढ़िया है, 1.1 की टीआरपी। नथ जेवर है जंजीर सिर्फ 0.4 ही लेकर आ पाया है, और मन सुंदर की 1.2 है। उसके बाद तोसे नैना मिलाइके की 0.5 हमें देखने को मिलती है, और फिर दालचीनी की 0.2 ही है। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी की भी 0.2 है। दोनों सीरियल्स लो टीआरपी शोज़ हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोनों ही शोज़ दंगल टीवी से बंद भी होने जा रहे हैं बहुत जल्द लो टीआरपी के कारण। शो की जो टीआरपी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उतनी नहीं रही हैं जितनी की दंगल वालों को चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। काव्या की टीआरपी इस बार भी 0.2 ही है, और काफ़ी हफ्तों से इतनी आ रही है। दबंगी की भी सेम वैसी कई हफ्तों से 0.2 पर रुकी हुई है। सोनी का नया सीरियल है जो कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, ये भी 0.2 ही लेकर आ रहा है। जब से लॉन्च हुआ है तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है इसकी। श्रीमद रामायण की 0.7 है, तो ये स्टक हो गया है 0.7 पे, ना टीआरपी नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है। मेहंदी वाला घर 0.4 पे ही है जब से स्टार्ट हुआ है। सोनी टीवी की हालत देखते हुए 0.4 भी डिसेंट है। शार्क टैंक इंडिया की 0.2 है, और जब से स्टार्ट हुआ सीज़न इसकी 0.2 ही रही है। सुपरस्टार सिंगर की 1.1, जो कि टीआरपी एटलीस्ट 1 को तो टच करी है इसकी। और सोनी के वरना रियलिटी शोज़ भी अब 0.9 0.8 तक जा रहे थे, एटलीस्ट इसने 1.1 को टच किया है। मैडनेस मचाएंगे बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, 0.2 की टीआरपी सिर्फ आईएस की, तो काफ़ी बड़ा फ्लॉप ये हो गया है इनके वीकेंड शोज़ में से। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है जी टीवी, क्योंकि साहस माँ बहू बेटी होती है सीरियल इस हफ्ते 0.3 की टीआरपी लेकर आया है। एक कुड़ी पंजाब दी लेकर आया है 0.4 की टीआरपी। तो यहाँ पर इस शो की टीआरपी में भी हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, और करंटली ये सीरियल अंडर स्कैनर भी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। शिव शक्ति 0.8 की टीआरपी लेकर आया है, इसके टीआरपी में भी फॉल देखने को मिला है। राधा मोहन अब हम प्राइम स्लॉट्स पे जाएं तो 1.2 की लेकर आया है। भाग्य लक्ष्मी की 1.5 है, कुमकुम भाग्य की भी 1.5 है, और कुंडली की भी 1.5 है। तीनों भाग्य वाले सीरियल्स की सेम टीआरपी चल रही है, 1.5 ही लेके आए हैं तीनों। कैसे मुझे तुम मिल गए 1.2 लेकर आया है। रब से दुआ 0.8, तो अब 1.0 से नीचे ही चला गया रब से दुआ, और टीआरपी डिक्रीज़ हो रही है। जी रिश्ते अवार्ड्स लेकर आया है 1.3 की टीआरपी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है सोनी सब। यहाँ पर वंशज सीरियल शाम वाली 7 बजे की टाइम स्लॉट पे 0.5 लेकर आया है। आंगन अमनों का 7:30 बजे पे 0.5 भी लेकर आया है। ध्रुव तारा की 0.6 है, हर हफ्ते की तरह कोई भी डिक्रीज या फिर इंक्रीज नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी देखें तो इस बार 1.7 देखने को मिलती है। वागले की दुनिया की 0.9 है, और पुष्पा इम्पॉसिबल की भी 0.9 ही है। ये दोनों सीरियल्स 0.9 लेकर आ रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते हो गए हैं और इस बार भी सेम है, 1.0 को टच नहीं कर पा रहे। वंशज की 10 बजे वाली जो टाइम स्लॉट है वहाँ पर टीआरपी 0.6 है, और पश्मीना की 0.3, और पश्मीना बंद ही हो रहा है, और पश्मीना की जगह जीजा जी आया करेगा, यानी कि उसके पुराने एपिसोड्स आया करेंगे।
तो पश्मीना का जो लास्ट एपिसोड है बस एयर ही होने वाला है, लेकिन जीजा जी भी जो है टीआरपी के मामले में कुछ खास कर नहीं पाएगा, बिकॉज रिपीट टेलीकास्ट वाले एपिसोड्स हैं 10:30 बजे पे। परफॉर्मेंस टीआरपी के मामले में कुछ खास नहीं आएगी डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है कलर्स टीवी। तो सुहागन सीरियल 0.9 की टीआरपी लेकर आया है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है इसकी टीआरपी में, वरना हर हफ्ते 1 तो होती है लेकिन नीचे गिर गई। उड़ारियाँ की 1.2 है, इसकी भी डिक्रीज है थोड़ी बहुत। परिणीति की 1.5 आई है। शिव शक्ति तब त्याग तांडव अब हम प्राइम स्लॉट्स पे जाएं तो इसकी टीआरपी 1.7 आई है इस बार। उसके बाद डोरी है 8:30 बजे के टाइम स्लॉट पे, 1.5 की टीआरपी लेकर आई है। मंगल लक्ष्मी की 1.4 है इस बार टीआरपी में, फॉल देखने को मिल रहा है। मेरा वालम थानेदार लेकर आया है 1.3 की टीआरपी इस बार। उसके बाद प्रचंड अशोक है जो कि 0.9 की टीआरपी लेकर आया है, और यहाँ पर प्रचंड अशोक एटलीस्ट अपनी टीआरपी को मेंटेन तो रख पा रहा है, 0.9 पे कायम तो है, वरना कोई डिक्रीज़ वगैरह देखने को नहीं मिला है शो की टीआरपी में जब से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ था 0.8 पे और अब 0.9 पे चल रहा है, तो एटलीस्ट इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है और कोई खास डिक्रीज़ वगैरह तो नहीं मिला। और फिर उसके बाद इनका जो अगला नया सीरियल है कयामत से कयामत तक, वो 0.7 की टीआरपी लेकर आया है, तो एटलीस्ट अब 0.6 नहीं लेकर आ रहा, वरना कई हफ्तों से 0.6 लेकर आ रहा था। और उसके बाद रियलिटी शोज़ की तरफ जाएं तो डांस दीवाने की टीआरपी सिर्फ 1.1 ही आ पाई है। हम देख सकते हैं कि कलर्स टीवी के रियलिटी शोज़ का भी सेम हाल है सोनी टीवी के रियलिटी शोज़ जैसे, इनकी भी अब वो बात नहीं रही है। कलर्स के रियलिटी शोज़ भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, बस एक बिग बॉस ही है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस स्टिल लेकर आता है अपने रियलिटी वीकेंड वाली स्लॉट्स पे। तो ये जो नया डांस दीवाने का सीज़न है काफ़ी इसकी लैकलस्टर परफॉर्मेंस ही रह रही है कलर्स टीवी चैनल के लिए, एक्सपेक्टेशन से इनके बिलो ही रही है। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है स्टार प्लस। शाम के सीरियल से शुरुआत करते हैं। आँख मिचोली की टीआरपी पहले ही कम थी, इस बार और गिर गई, 0.5 पे गिर चुकी है इसकी टीआरपी। तेरी मेरी डोरियाँ की 1.7 आई है इस बार। पंड्या स्टोर की भी सेम है 1.7। प्राइम स्लॉट की ओर आगे चलते हैं। गुम है इस हफ्ते 2.2 की टीआरपी लेकर आया है। उसके बाद इमली है 1.7, तो इमली की टीआरपी भी यहाँ पर रुक सी गई है, इसी करके इमली में अब रीवैम्प आने वाला है, शो की कहानी वगैरह बदलने वाली है, नई कास्ट आने वाली है। बातें कुछ अनकही सी की 1.7 है, और उड़ने की आशा इसको रिप्लेस किया गया था बातें कुछ अनकही से। तो गाइस इसकी टीआरपी 1.7 ही आई है ओपनिंग टीआरपी, और फिर से एक बार 9 बजे पे स्टार प्लस का सीरियल वर्क नहीं कर पाया और वैसी टीआरपी लेकर आया जैसे कि बातें कुछ लेकर आ रहा था, तो कोई खास इंप्रूवमेंट इनको मिली नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 लेकर आया है। अनुपमा की इस हफ्ते 2.7 है। जनक की टीआरपी में भी डिक्रीज देखने को मिलता है, 2.1 हो गई, और यह चाहते कि टीआरपी में भी थोड़ा सा डिक्रीज़ है, 1.3 से कम होकर 1.2 हो गई। मल्टीपल सीरियल्स हैं जिनकी टीआरपी में फॉल देखने को मिला है, और उड़ने की आशा का जो लॉन्च है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ये थी फुल टीआरपी वीडियो, लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में अपना फेवरेट शो फेवरेट चैनल बताइए। सारी फुल टीआरपी डिटेल्स ऐसी हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आप वो भी टीआरपी अपडेट मिस ना करें। जैसे ही आपका सीरियल फेवरेट ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं आप तक सारी अपडेट्स पहुँचती रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।